हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। सो स्टाइल शीट्स कर रहे हैं हम, एंड वी हैव डन कि किस तरह से हम डिफरेंट स्टाइल शीट्स यूज करते हैं, लाइक इनलाइन, एम्बेडेड या एक्सटर्नल। बट आज हम बात करेंगे कि अगर स्टाइल शीट्स की हेल्प से मुझे किसी भी टैग के अराउंड बॉर्डर्स शो करने हैं, तो मैं उस बॉर्डर में क्या क्या स्टाइल दे सकती हूँ और कैसे दे सकती हूँ। सो इफ आई हैव टू गिव बॉर्डर अराउंड एनी ऑफ द टेक्स्ट, जैसे कि आपके पास ये आपका पेज है जो हमने अभी देखा, दिस वन, I want a border around this heading. तो मुझे इस हेडिंग के अराउंड बॉर्डर चाहिए, तो आप बॉर्डर जरूर बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? ये आपका H2 टैग है, इसका स्टाइल आप चाहे तो इनलाइन में डिफाइन कर सकते हो या तो आप एम्बेडेड में डिफाइन कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। सो अगर आप इसको डिफाइन करते हो एम्बेडेड में, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, स्टाइल टैग ऐसे दे दोगे और यहाँ पर अपना टैग बता दोगे कौन सा है, H2। सो H2 इज माई हेडिंग टैग। एंड वो डू आई गिव ओवर हियर, मैंने यहाँ पे कहा कि इसका जो बॉर्डर है उसका जो स्टाइल है वो क्या होना चाहिए। अब बॉर्डर स्टाइल देखो, बाय डिफॉल्ट तो नन होता है, कोई बॉर्डर नहीं आता हमारे पास। अगर आपको एक सॉलिड लाइन चाहिए तो आप लिख सकते हो बॉर्डर स्टाइल इज सॉलिड। सो अगर आप इसको रिफ्रेश करते हो तो आप ये देख रहे हो साइड पे सॉलिड बॉर्डर आ गया। आपको सॉलिड नहीं चाहिए, आपको डैश्ड चाहिए, डॉटेड चाहिए, शेडो चाहिए, सो वो स्टाइल्स आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। सो यू कैन सी इट इज शोइंग अ डैश्ड बॉर्डर। ऐसे ही आप डॉटेड ले सकते हो, आप ऑफसेट ले सकते हो, इनसेट ले सकते हो, शेडो ले सकते हो। ट्राई करके देखना डिफरेंट डिफरेंट की क्या इफेक्ट आता है। सो लेट्स से बॉर्डर स्टाइल इज डैश्ड बट यू वॉन्ट अ थिकर बॉर्डर, तो आप यहाँ पर बॉर्डर विड्थ भी स्पेसिफाई कर सकते हो। Like I specify a border width of 8. So if I refresh, it is quite thick. By default, this 8 stands for pixels. I can give border width as PT, PX. Like I can write 8 PT, matlab 8 points. 8 PX, matlab 8 pixels. I can also write it as thin, thick or medium. So thin, thick or medium mein jo uska default hai, wo uske accordingly thickness de dega. Theek hai? And you can also change the border कलर। अभी जो बॉर्डर है वो आपका ब्लू है ना, यू डोंट वॉन्ट ब्लू, यू वॉन्ट द कलर टू बी रेड। सो आपने लिख दिया बॉर्डर कलर इज रेड एंड यू रिफ्रेश इट, सो इट्स कमिंग लाइक दिस। बट इतना ही नहीं, आप इसमें और भी इफेक्ट डाल सकते हो। आप चाहते हो कि बॉर्डर जो है वो टॉप वाला रेड हो और बॉटम वाला जो है वो ब्लू हो, तो वो भी पॉसिबल है। सो हम यहाँ पर फर्दर स्टाइल दे सकते हैं, जैसे कि हम लिख सकते हैं बॉर्डर कलर टॉप इज रेड। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो बॉर्डर कलर टॉप है ओनली दैट शुड बिकम रेड, पर ये सब जगह सपोर्टेड नहीं होता है, बट स्टिल वी कैन ट्राई। सो इट इज नॉट चेंजिंग इट सेपरेटली, बॉर्डर कलर टॉप, बॉर्डर कलर लेफ्ट, बॉर्डर कलर राइट एंड यू हैव बॉर्डर कलर बॉटम, तो हम चारों डायरेक्शन का चेंज कर सकते हैं। सो ये इसमें ले रहा है बॉर्डर टॉप कलर। ठीक है, सो मैंने क्या लिखा, बॉर्डर टॉप कलर। सो बॉर्डर टॉप कलर इज रेड। ठीक है, और बाकी का जो डिफॉल्ट आ रहा था वही है। आप चेंज करना चाहो तो हर किसी साइड का चेंज कर सकते हो बाय राइटिंग दैट साइड। सो टॉप का चेंज करना है, बॉटम चेंज करना है, लेफ्ट चेंज करना है, राइट चेंज करना है, यू कैन चूज दैट। जैसे आप चाहते हो कि बॉर्डर स्टाइल नॉर्मल तो डैश्ड है, लेकिन जो नीचे वाला बॉर्डर है वो आपका सॉलिड आना चाहिए, तो आप लिख सकते हो बॉर्डर बॉटम स्टाइल शुड बी सॉलिड एंड देन रिफ्रेश इट। सो बॉर्डर का जो बॉटम स्टाइल है वो सॉलिड हो गया है। तो हम बॉर्डर के लिए तीन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर वेट एंड बॉर्डर कलर। फर्दर इन तीनों के अंदर चार चार ऑप्शन आ जाएंगी, लाइक बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल, बॉर्डर राइट स्टाइल, बॉर्डर टॉप स्टाइल, बॉर्डर बॉटम स्टाइल। सिमिलर वे बॉर्डर विड्थ भी आप अलग अलग दे सकते हो, टॉप लेफ्ट राइट और बॉटम की। आप बॉर्डर कलर भी अलग अलग दे सकते हो, लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम का। पर वो बहुत ही अजीब लगेगा अगर सारे कलर अलग होंगे, बट इट इज अ पॉसिबिलिटी। सो ये पॉसिबिलिटी आपके पास है। सो दिस इज ऑल द सेट ऑफ बॉर्डर प्रॉपर्टीज जो हम सेट कर सकते हैं किसी भी टैग के लिए। ये तो मैंने हेडिंग टैग के लिए सेट किया, आप किसी टैग के लिए भी चाहो तो सेट कर सकते हो। जैसे ये टेबल है, टेबल के साइड पे बॉर्डर आ रहा है, आपको इसका भी कुछ देना है तो आप यहाँ पे भी स्पेसिफाई कर सकते हो एज एन इनलाइन स्टाइल शीट। मैंने लिख दिया स्टाइल बॉर्डर
बॉर्डर कलर तो डायरेक्ट ऑप्शन होती है टेबल के साथ, तो उसकी तो जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर बॉर्डर विड्थ जरूर दे के देख सकते हैं। सो बॉर्डर विड्थ मैंने दे दी 10। बॉर्डर विड्थ की भी हमारे पास डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है ना, बट चलो कोई बात नहीं, यू कैन ट्राई लाइक दैट। सो विड्थ इज द डायरेक्ट प्रॉपर्टी वी हैव विद द टेबल टैग, जिसमें आप बॉर्डर इज इक्वल टू उसकी थिकनेस दे देते हो। आप बॉर्डर कलर भी दे सकते हो, है ना, बॉर्डर स्टाइल नहीं दे सकते हम टेबल के साथ डायरेक्ट, तो वो आप चाहो तो बॉर्डर स्टाइल की हेल्प से लिया जा सकता है। सो हम यहाँ पर बॉर्डर स्टाइल कर सकते हैं, और यहाँ पर मैंने स्टाइल दे दिया ऑफसेट एंड या और बॉर्डर मैंने 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, तो मैं इसी को ही बढ़ा देती हूँ ताकि थोड़ा थिक बॉर्डर आए, आपको ऑफसेट अच्छे से दिखाई दे। तो ऑफसेट में देखो ये नीचे थोड़ा ब्लैक है और ऊपर को ग्रे है, इनसेट करोगे तो ऊपर वाले दोनों ब्लैक हो जाएंगे, नीचे वाला ग्रे हो जाएगा। सो डार्क एंड लाइट शेड ऑफ द कलर बेसिकली टेक्स, सो दैट्स ऑफसेट एंड इनसेट। सो दैट्स हाउ यू कैन चेंज बॉर्डर्स। आप पैराग्राफ के अराउंड बॉर्डर दे सकते हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, लिस्ट, जो भी टैग को आप बॉर्डर्स देना चाहो आप दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ बॉर्डर टैग्स। सो ट्राई आउट समथिंग नाइस और उसकी फोटो लो, इंस्टाग्राम की स्टोरी में डालो कि भाई हमने HTML में कुछ अच्छा सा बनाया, एंड टैग मी एज वेल। सो AC_computer education इज द इंस्टा हैंडल, तो आप जब भी स्टोरी पोस्ट करें मुझे टैग कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली शेयर योर स्टोरी ऑन माई इंस्टा अकाउंट। सो या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो समझ आई है तो लाइक पे जरूर क्लिक करना, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।